मेरा ये दावा है कि इस प्लेनेट अर्थ पे कुरान की तारीफ में सबसे ज्यादा अल्फाज जिस सही हदीस में आए हैं वो मुस्लिम शरीफ की वो चार हदीसें हैं गदीर खून की, ऊपर तले 6225 से लेके 6228 तक। और ये खुतबा हजतुल वदा के भी बाद है, ये 2.5 महीने पहले नबी इस्लाम ने खुतबा दिया। आप जब मक्के से हज करके मदीने वापस आ रहे थे तो खुम नामी गांव में आपने पानी के लिए पड़ाव किया, ऊंट के पालान का मिंबर तैयार किया गया। 18 जुलहिज्जा को ये हुआ, जो हमारे शिया भाई ईद गदीर मनाते हैं वो दूसरी स्ट्रीम पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ बातें तो दुरुस्त हैं उसमें। नबी इस्लाम की गुफ्तगू ही कंक्लूडिंग है, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। हाँ, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीउन वला तफर्रकू। रस्सी की तशरीह हर बंदे ने अपनी अपनी की हुई थी और नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं फिर नबी इस्लाम हमें तरगीब दिलाते रहे अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया, यानी मेरे बाद उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना किताबुल्लाह को पकड़ा हदायत के लिए और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा।